स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आओ और तुम्हारे को किसके नाम के ऊपर रखने का है, तुम्हारे अब्बा के नाम पे रखने का है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम तुम्हारे अब्बा के नाम पे रखो। लेकिन तो तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक मरतबा तो सड़क के ऊपर आओ, अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए उसमें आप नेतृत्व करो, मैं कार्यकर्ता बनकर आपके पीछे खड़े रहता हूं। सर, जिस तरीके से कल समीर बिल्डर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि कादर इम्तियाज अली साहब के आदेश पर आने वाली 15 अगस्त को जो है मंत्री जो भी औरंगाबाद में रहेंगे उनका घेराव करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, जिस तरीके से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां से ले आकर पुणे लेकर गए हैं, अब उसी को चलते साहब क्या आने वाले वक्तों में हम 15 अगस्त को देखेंगे कि एमआईएम पूरी जोर शोर से उनका विरोध करेगी? देखिए, ये एमआईएम का मुद्दा नहीं है, एक तरीके से मैं साफ बता दूं, ये है कि हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, हम लड़ेंगे और कब तक खामोश बैठेंगे। हम खामोश बैठ रहे हैं इस वजह से हमारे ऊपर ये नाइंसाफियां हो रही है। मराठवाड़ा का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि मराठवाड़ा के नेता जो है वो कभी भी अपनी नाइंसाफियों के ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि हमारे जो प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो हमको दिए गए थे, चाहे जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये भी औरंगाबाद में रहते अगर हम एकजुट एक ताकत बनकर खड़े रहते। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक मतभेद भूलकर अगर लड़ते कि नहीं ये हमको चाहिए करके, लेकिन उस वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपनी नाइंसाफियां हमारे साथ की और अब शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये हमको दी गई थी, इसके लिए ऑलरेडी हर चीज फाइनल हो गई थी, इसके लिए लैंड आइडेंटिफाई हो गया था और बाद में पता चला कि नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी एक बड़े नेता के दादागिरी की वजह से यहां से ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उठाकर पुणे लेकर चले गए हैं। तो या तो अब हम खामोश बैठ के तमाशा ही बनकर देखते रहे कि हमारी चीज कोई दूसरा आकर खींचकर लेके चले जा रहा है, या हम लड़े। हम लड़ने वाले लोगों में से है, हम खामोश बैठकर सिर्फ महज राजनीति करने वाले लोगों में से नहीं है जो सिर्फ चुनाव के वक्त में आएंगे, धार्मिक मुद्दे बनाएंगे, शहर का नाम बदल दो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे उसमें। ये विकास के काम की भी जिम्मेदारी आप सरकार के अंदर बैठे हैं, आपकी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हमको ये पूरा अधिकार है, आपसे हम सवाल करेंगे। और यही सवाल करने के लिए 15 अगस्त के दिन हम सुबह 9:30 बजे वहां पर डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के पास पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब आ रहे हैं, हम उनको अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन करने का अधिकार हमको दिया गया है हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे और वहां पर उनको काले झंडे दिखाएंगे और बताएंगे कि हम नाराज हैं इस फैसले से और हमको बताओ ये कि किसके बोलने के ऊपर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां से हटाई जाती है करके, और क्यों सेना के, कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं तो खामोश बैठे हुए, क्या ये सिर्फ अपने नेताओं के तलवे चाटने के लिए बैठे हैं? इनको अपने जिले से, अपने शहर से कोई मोहब्बत नहीं है? इनको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना नहीं है? या सिर्फ है तो चुनाव के वक्त में है तो सिर्फ अपने को राजनीति करने का है करके? ये मुद्दा मेरा अकेले पार्टी का नहीं है, मैं औरंगाबाद की तमाम जनता से यह अनुरोध करूंगा कि कल सड़क के ऊपर निकल कर आइए, और पुलिस वालों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर हमको कल यहां पर रोके तो मैं आपको साफ कह रहा हूं कि जहां जहां पर भी पालक मंत्री के कार्यक्रम रहेंगे वहां पर हम पहुंचेंगे, चाहे उसके लिए हमें एयरपोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, हम एयरपोर्ट तक उनको विदा करने के टाइम के ऊपर तक हम उनका पीछा करते रहेंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता फिर बहुत भीड़ सर यहां पर पहुंचेगी, जिस तरीके से आपने कहा तो पुलिस अपना हो सकता है कि केसेस भी दर्ज करवाए लोगों के ऊपर? देखिए, हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से, इम्तियाज जलील कोई अपने जाति तौर के ऊपर है तो अपने लिए कोई महल नहीं मांग रहा है, मैं अपने लोगों ने मुझे चुनकर दिया है तो विकास के कामों के लिए चुनकर दिया है, और ये विकास जब हमारे पास करीब आता है तो इसको कौन खींच कर लेके जाता है, इसका जवाब देना पड़ेगा। शिवसेना को देना पड़ेगा, राष्ट्रवादी को देना पड़ेगा और कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। ये सिर्फ औरंगाबाद को क्या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ये कर दिए है कि यहां पर जितने भी इंस्टीट्यूशन आएंगे कोई लेकर चले जाएंगे और तुम यहां पर सिर्फ थालियां बजाते रहेंगे करके? सब ऐसा तो नहीं है कि खासकर इम्तियाज अली साहब के टाइम में ये काम हो रहा है तो इसके लिए राष्ट्रवादी इसको वहां लेकर जा रही है या नहीं? फिर है, मैं तो ये चाहूंगा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आओ और तुम्हारे को किसके नाम के ऊपर रखने का है, तुम्हारे अब्बा के नाम पे रखने का है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम तुम्हारे अब्बा के नाम पे रखो, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चाहिए। यहां पर यही तो ये है कि उसमें लाता कोई और है, फिर शुरू हो जाता है कि इसको ये नाम दो, उसको वो नाम दो, इसी इसके अंदर है हम खत्म हो जा रहे हैं। उसमें विकास का मुद्दा है, सब साथ में मिलकर करेंगे और सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं तो तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक मरतबा तो सड़क के ऊपर आओ, अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए उसमें आप नेतृत्व करो, मैं कार्यकर्ता बनकर आपके पीछे खड़े रहता हूं। थैंक यू। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।